पिछले एपिसोड में फाइट सीन खत्म होने के बाद हमें अपने ही दोस्त ने मार दिया था, लेकिन इस बार हम चौकन्ने रहेंगे। इस बार प्रॉब्लम यह है कि हमें यहाँ कोई भी मार सकता है और हम यहाँ एक ट्रैप में फंस चुके हैं, तो कैसे भी करके हमें इस ट्रैप से बाहर निकलना है। तो अब चलते हैं एपिसोड 3 में, और एपिसोड 3 है तो मिशन भी 3 ही होगा। यहाँ से हम कोई भी मिशन को आ जा सकते हैं, यानी कि कोई भी मिशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अब चलते हैं थर्ड। फिर से हमें इस धोखेबाज दोस्त का पीछा करना होगा और ये जहां पर ले जाता है वहां पर हमें अपना काम करना होगा। ओके, तो ये यहां पर कुछ कर रहा है और हमें भी यहां पे अपने फिंगरप्रिंट एक्सेस देने हैं। तो सबसे पहले पासवर्ड को अनलॉक करते हैं हम। अब चलते हैं जल्दी से इसके अंदर और वेट करते हैं फाइट सीन का, क्योंकि अगर शुरू में फाइट सीन आ जाए तो मजा दूना हो जाता है हमारा। पर यहाँ तो सबसे पहले ही सबसे मर चुके हैं यार। ये देखो, ये भाई ये तो गोली मारने में और भी ज्यादा मजा आता है, सुकून मिलता है दिल को। अब चलते हैं जल्दी से इसके पीछे। ये यहाँ पर कुछ एमोस पड़ी है और यहाँ पे कुछ पैसे हैं। ओ भाई साहब, क्या खतरनाक। ये सिक्योरिटी डिटेक्टिव ड्रोन है जिसको हमें डिस्ट्रॉय करना है अभी के अभी। बहुत बढ़िया, हो लगभग हो गया। जहां तक मेरे को लगता है ड्रोन डिस्ट्रॉय हो गया है, और अब चलते हैं जल्दी से नेक्स्ट बैटल की ओर। तो पावर लाइन को हमें ऑन करना है, हमें अगला मिशन यही मिला है। नीचे साइड तक नीचे जाएंगे तो एक जनरेटर है, उस जनरेटर को ऑन करना है सबसे पहले। ये था तो इसी साइड पर दिख जाएगा हमें प्रॉपर, अभी तक पता नहीं चला ना, तो साइड तक दिक्कत आ रही है। यहाँ से कुछ एमोज ले लेता हूँ, क्योंकि कुछ एमोज वेस्ट भी होती है फाइट सीन के दौरान। हमें शायद उस साइड पे है। ओ भाई साहब, ये नहीं नहीं नहीं, मेरी सिर्फ एक एचपी है, एक एचपी ये गया। एक बार तो इस साइबर डॉग ने मेरे को खत्म कर दिया। दोबारा से हम एक बार फिर से आए हैं, क्योंकि इस बार हम थोड़े ध्यान से चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे सही नहीं है यार, खतरा बहुत ज्यादा है, संभल के चलना होगा। और जनरेटर को एक्टिव करना नीचे जाके, तो वो भी मेरे को रास्ता नहीं मिला अभी तक। सबसे पहले ये रहा जनरेटर का एक्टिव। यहाँ पे मेरे को ज़ॉम्बी मिलेगा जहां तक मेरे को यकीन है पक्का। तो ये रहा, ये हेडशॉट गया खत्म। अरे सालो, वो कहाँ था ऑन करने वाला। ये रहा, तो इसको कर देते नीचे। जनरेटर एक्टिव हो गया, शायद तक आपको आवाज़ आ रही होगी पीछे से बैकग्राउंड से जनरेटर एक्टिव होने का। और इस बार नहीं बैठे, पिछली बार तो तूने मेरे को मार दिया था, इस बार तू गया। ये गया, एक और आ रहा है अभी। साले तू रिलोड देगा कि मैं सट जाऊंगा मैं। ये भी दो गया, एक और है मेरे हिसाब से जहां तक है बाकी। अब क्या है, गेट टू द माउंटेन गन। ओके, तो अब हमें जाना है माउंटेन गन के पास। यहाँ पर ऊपर हमें अपनी एलेक्सा है या क्या पता नहीं क्या चीज़ है जो हमें अपनी गाइड करती रहती है साथ ही साथ, तो मिशन थोड़ा आसान हो जाता है। वैसे हमने हार्डनेटी को मीडियम पर सेट कर रखा है, तो इतना भी ये एक इसको मार रहा है तो गया खत्म भाई। अब चलते हैं जल्दी से अपने माउंटेन गन के पास और उसको करते हैं एक्टिव। ये रही माउंटेन गन, इस साइड से साइड तक रास्ता है यार इसका। नहीं नहीं नहीं, नीचे अभी तो नीचे गिर जाता दो मिनट के अंदर। अब होगा भाई साहब घमासान, क्योंकि
ये माउंटेन गन यूज करते हैं। मेरे को लगता है कि बहुत सारे सोल्जर्स आएंगे और ओके डेफिनेट मैंने की ओके तो सोल्जर आ गए जल्दी से। अब गजब करती है यार ये गन, खत्म। और कोई है क्या? सारे खत्म हो गए? नहीं 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 एक और आ रहा है। क्या इसमें गोलियां हैं अनलिमिटेड? क्योंकि किसने बूम फेंक दिया भाई इस साइड पे? रुको ये एक छुटके मार रहा है साला पीछे से। अब आ रहा है हेडशॉट का फायदा ये कि मारने वाले को ज्यादा से मरने वाले को तकलीफ नहीं होती और साथ ही जल्दी से सब कुछ खत्म हो जाता है। ये मेरा दोस्त जा कहाँ रहा है भाई? क्या फाइट सीट खत्म हो गया क्या? इंटर द जेट लिफ्ट। ओके तो इसको छोड़ना है और जेट लिफ्ट में एंटर करना है। शायद तक सारे खत्म हो गए हैं तो जल्दी से अपने दोस्त के पीछे चलते हैं क्योंकि इसकी हमें शायद तक सिक्योरिटी देनी है इसको और काफ़ी एमोज आ गए। तो अब चलते हैं जल्दी से अपने दोस्त के पास। ओ भाई यार इसने मेरे को मार दिया, मतलब मेरे दोस्त ने मेरे को मार दिया ये शायद तक। ओके मैं मरा नहीं हूँ, मतलब कि घायल हो गया हूँ जहाँ तक इसने मेरे को मारा है। तो अब हमें वापिस से न्यू चेंबर के अंदर ले जाया जाएगा। कंटिन्यू करते हैं इसको और हेडशॉट के लिए ये चूज करना सा काफी बढ़िया रहेगा। तो खैर आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करना।